उद्योगाच्या सहकार्यासाठी सुरू झालेला 101 दिवसाचा द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल्स प्रवास कोविडच्या काळात सुरू झालेल्या लहान आणि सूक्ष्म व्यवसायांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रवासाला आमदार प्रशांत ठाकूर यासोबत उपस्थित मान्यवरांनी झेंडा दाखवून प्रवासाला सुरुवात झाली. लघुउद्योग व्यवसायकांना पाठिंबा देणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी मजबूत करण्यासाठी या संकल्पनेला सुरुवात करण्यात आली असं सांगण्यात आलं आहे. सर, आपने छोटे व्यवसायियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने नया पूरे देश में घूमने का एक आपने खाना है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सो पहला तो हमारा ये उद्देश्य था कि जो हर स्टेट में, हर सिटी में हमारे छोटे बिजनेसेस है, जो लोकल बिजनेसेस है, उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते उतना. हम लोग हमेशा बड़े बड़े स्टोर्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स में 50-100 रुपया बचाने के लिए हम लोग हमेशा जाते उधर. लेकिन हमारे ही नेबर अगर कोई बिजनेस चालू किया है, ड्राई फ्रूट्स हो, स्पाइसेस हो, हैंडमेड सोप्स हो, लेकिन उनको हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं. तो यही आशा से हम लोग ने चालू किया है आई सपोर्ट योर बिजनेस, जिधर पहले मैं नहीं सोच रहा हूँ मेरे बिजनेस के बारे में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे वाले के बिजनेस के बारे में. और आई सपोर्ट योर बिजनेस के माध्यम से जैसे जैसे हमारे कम्युनिटीज़ बनते जाएंगे, अगर 100 जन के कम्युनिटीज़ बने, 100 मेंबर्स, मतलब 100 स्मॉल बिजनेसेस, और हर कोई ये फीलिंग अगर रखे कि आई सपोर्ट योर बिजनेस, तो आप सोचिए कि सबको बिजनेस मिलेगा. क्योंकि मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ, आप मुझे बिजनेस दोगे, क्योंकि आई सपोर्ट योर बिजनेस. ये हमारा मकसद है, ये हमारा पहला मकसद है. सेकेंड, हम थोड़े सालों में शिफ्ट होने वाले दूसरे कंट्री में. सो एज अ कपल हम लोग ने सोचा था, एक ट्रिप में थे हम लोग अरुणाचल में, हम लोग ने सोचा कि क्या ऐसे कर सकते हैं जिसमें हमारे पूरे देश को हम लोग एक साथ एक बार में घूम सके. और वही नींव थी ये पूरे ग्रेट इंडियन ट्रैवल के पीछे. तो आज से हमारा शुरुआत है ग्रेट इंडियन ट्रैवल का. फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन रत्नागिरी महाराष्ट्र का है, पूरा रूट मैप है. और थैंक यू, आप लोग आए, आप लोग हमें कवर कर रहे हो. एंड प्लीज, हाँ, एक 101 दिन का ट्रैवलिंग है, नॉन स्टॉप है. आज 1 दिसंबर से 11 मार्च 2022 को हम लोग वापस आने वाले हैं फिर से नवी मुंबई. एक राज्य में आपको कितने दिन रहे? एक राज्य में करीब करीब 3 से 4 दिन का हमारा प्लानिंग है. कोई कोई राज्य में थोड़ा ज़्यादा दिन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बोलूँ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हमें ज़्यादा टाइम हमें देना था, क्योंकि 21-22 दिन हम दे रहे उधर. क्योंकि हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऐसा राज्य है, ऐसे 7 हमारे राज्य है जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, लोग उधर घूमने नहीं जाते हैं. इसलिए हमें बहुत सारा टाइम उधर स्पेंड करना है, एक्सप्लोर करना है, और लोगों को बताना है कि नॉर्थ ईस्ट आइए, हमारा ही एक पार्ट है कंट्री का, आप आइए, आप घूमिए. ये हमारा मकसद है.